नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है इट्स सुमित कुमार। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MID। MID का मतलब होता है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जो कि आपको आपको RPM मीटर और स्पीडोमीटर के बीच में देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं, मेरे सामने ये जो डिस्प्ले दिख रही है इसे ही MID बोलते हैं। और अभी मेरे पास जो गाड़ी है वो है टाटा टियागो। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में दिखता कैसे है। तो मैं आपको एक गाड़ी का लुक देता हूँ। जैसा कि आप पूरा देख सकते हैं, अभी नाइट का टाइम है और आपको जो स्टीयरिंग पे कंट्रोल दिख रहे हैं, कई कई गाड़ियों में जो इनकी सेट और मोड वाला जो बटन होता है, जैसा कि आप अगर मैं फोकस करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे एक सेट का बटन होगा जिससे कि आप क्लॉक इल्यूमिनेशन वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। और मोड का वो जो बटन होगा उससे आप यहाँ पे मल्टी इन्फॉर्मेशन जो है कि एक से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन ये बताता है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो स्टेयरिंग में ये जो बटन्स दिख रही हैं इनका MID से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये सारे मीडिया के कंट्रोल से, जिसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि MID के अंदर आखिर इन्फॉर्मेशन क्या क्या शो होती है। तो सबसे पहले अगर MID के इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये डिफ़ॉल्ट मोड में जब रहता है, जैसे कि ये जब ऑफ रहता है तब इसमें ओनली ओडोमीटर शो होता है। जैसे कि अभी मेरी गाड़ी में ओडोमीटर बता रहा है 124 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। उसके बाद आप जैसे ही आपका स्विच ऑन करेंगे तो गाड़ी में कुछ इस तरह का मेरी वेलकम फीचर है, ये अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग हो सकता है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट में आपको ट्रिप ए ये गाड़ी का मीटर शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी मैं मोड अभी फ़िलहाल जो ये शो कर रहा है वो 6:02 यहाँ पे क्लॉक शो करता है। उसके बाद अगर मोड का मैं बटन दबाऊँ तो गाड़ी अभी ट्रिप ए शो करती है, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट ट्रिप होता है। 21.8 किलोमीटर ट्रिप ए में मेरी गाड़ी चली है, 12.1 किलोमीटर पर लीटर का इसने एवरेज दिया है। तो ये जो एवरेज है ये पर्टिकुलर इस ट्रिप का है, ना कि पूरी आपकी गाड़ी का, आपकी गाड़ी अभी तक जितनी भी चली है ये उसका एवरेज नहीं है। उसके बाद ट्रिप बी आता है, 42.8 किलोमीटर ट्रिप बी में मेरी गाड़ी चली है और अभी उसने ट्रिप बी में एवरेज दिया है 12.4 किलोमीटर पर लीटर का। उसके नीचे जो डिस्प्ले शो होती है ये डिस्प्ले होती है आपके फ्यूल टैंक की, कि आपके फ्यूल टैंक में आखिर कितना फ्लूड है। तो अभी यहाँ पे दो बार्स आ रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मैं और क्लोज लेके जाऊँ तो कैमरा मेरा उतना फोकस कर नहीं पा रहा है, यहाँ पे दो बार्स आ रहे हैं। उसके नीचे आपको एक पेट्रोल पंप का साइन दिख रहा होगा, उसके साइड में एक एरो दिख रहा होगा, उसका मतलब होता है कि आपके आपका जो फ्यूल टैंक का कैप है वो किस तरफ है। तो अभी मेरे लेफ्ट में ये फ्यूल टैंक का कैप है तो ये लेफ्ट में साइन इसका शो कर रहा है। अगली चीज़ की हम बात करें जो इसमें आती है वो होता है फ्यूल टू एम्प्टी, मतलब आपके आपके पास जितना ईंधन है, जितना तेल गाड़ी में है उससे वो कितनी दूर जा सकती है। तो अभी मेरे पास मेरे ड्राइविंग बिहेवियर के अनुसार ये चीज़ शो हो रही है। ये आपके ड्राइविंग बिहेवियर के ऊपर पूरा पूरा ये कैलकुलेट करके बताता है कि कैसा है। अगर आप गाड़ी को अच्छे से चलाएं तो ये उल्टा बढ़ भी सकता है, लेकिन ये जिस तरह से आप गाड़ी सिटी मोड में, जैसे मेरी अभी गाड़ी चल रही है ज़्यादातर सिटी में ही, तो उसमें ये अभी 70 किलोमीटर और चल सकती है, ये चीज़ ये शो कर रहा है। उसके बाद वापस से ये क्लॉक आ गई। एक चीज और, कई कई गाड़ियों में इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी का भी फीचर होता है। अभी फिलहाल टाटा टियागो में 2018 मॉडल में जो इंस्टेंट जो मॉडल आता था उसमें इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी का भी ऑप्शन आता था, लेकिन ये मेरे पास 2019 मॉडल है, पता नहीं कंपनी ने उस फीचर को क्यों बंद कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर भी शो करता है। तो अगर आपके पास, आपने कोई अगर 2019 मॉडल की गाड़ी ली है और आपके पास MID में अगर इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी का फीचर आया है या फिर वो वाला बार शो होता है, तो प्लीज़ वीडियो में नीचे कमेंट करें। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी गाड़ी में वो फीचर आया और मेरी गाड़ी में नहीं आया, तो मैं उस विषय में डीलरशिप से बात करूँगा। अगली चीज़
हम बात करें तो आपको जैसे कि यहाँ पे सेट बटन दिख रहा होगा, इसका रोल होता है कि अगर आपकी गाड़ी में, जैसे अभी मेरी गाड़ी में आप देख सकते हैं ये सारी लाइटें ऑन हैं, इसका मतलब अभी पार्किंग बल्ब मैंने ऑन करके रखे हैं। जब आप पार्किंग बल्ब ऑन करके रखेंगे तो इस सेट, ये जो सेट बटन है, ये इल्यूमिनेशन कम या ज्यादा करने का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अभी मैं सेट बटन दबा रहा हूँ और इसका इल्यूमिनेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अभी ये बढ़ रहा है और अब ये कम हो रहा है, तो ये उसका यूज होता है। और उसके बाद अगर आप पार्किंग बल्ब्स को ऑफ कर दें, फॉर एग्जांपल मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, ये मैंने पार्किंग बल्ब ऑफ कर दिए, ये इसका डिफॉल्ट इल्यूमिनेशन में आ गया है। अब इस सेट बटन का यूज आपकी क्लॉक को एडजस्ट करने का होता है। और अगर आप पर्टिकुलर ट्रिप पे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ट्रिप ए को एडजस्ट करता हूँ, इसे अगर जीरो कर देता हूँ तो ये आपके माइलेज वगैरह या इन्हें जीरो करने के भी काम आता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आप भी ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्टेड हैं। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।